आज का ये जो सेशन है ये मेरे लिए सबसे स्पेशल है और सिर्फ आज के लिए नहीं पूरी जिंदगी भर के लिए आज मैं जो कुछ भी हूं वो जो अभी गेस्ट हैं पीछे यहां पर बैक स्टेज पे उनकी वजह से हूं तो प्लीज गिव एन, एन एनर्जेटिक एंड एन वॉर्म वेलकम टू माई पेरेंट्स <laughs> प्लीज मैंने आपको बताया कि मेरे दिल में क्या है अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ये आते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे मैं क्या करूं अब इसका मैं आंसर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है अनकंडीशनली किया है कभी मुझे कुछ भी करने से नहीं रोका और जो मैंने किया जैसा भी किया इनफैक्ट अभी भी आज भी मुझे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं सीधा अपने पेरेंट्स के पास में जाता हूं जा करके इनसे पूछता हूं और मेरी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है कैसे निकलता है मुझे नहीं पता लेकिन मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो कितनी भी बड़ी हो उसका सोल्यूशन अगले दिन मेरे पेरेंट्स निकाल देते हैं अब आप लोग जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जैसे भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मेरे पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं मेरा एक फनी सा सवाल है लाइक like, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे पहले बट सारे क्वेश्चंस के डाउट्स सर के से सेशन से मिल जाते हैं एक क्वेश्चन है कि सर अपने रिलेशनशिप को आपको जब पहली बार बताए थे तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम हर पेरेंट्स की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं हम अपने लेवल पे कोशिश कर रहे थे कि भाई फला लड़की आई है वहाँ से संबंध आया है वहाँ से आया है वहाँ से आया है हम जो कोशिश कर रहे थे बस संदीप जी बार बार रेफ्यूज कर रहे थे बात तो बहुत बढ़िया कह रहे थे इन्होंने जो प्ली दे रहे थे वो बहुत जस्टिफाइड था मैं आज आप सबको बताता हूँ आपको ना पता लग रहा है कि कैसे डील करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट हाँ एक ही बात ये कहते थे पापा मुझे अपने पैरों पे खड़ा हो जाने दो बात तो ठीक थी लेकिन जब ये बात थोड़ी बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई तो मेरे को पेशेंस नहीं हुआ मैंने कहा यार ये रोज रोज का क्या नाटक है सेटल तो ऐसा सारी जिंदगी नहीं हो गई सेटल सेटल क्या होता है मैंने हम भी थे ये डायलॉग आप भी सुन रहे होंगे अपने घर में नहीं। नहीं। तो रिलेट मैंने कहा हम भी थे तो हम भी ऐसे ही सेटल हो गए थे इनको मिसाल दी मैंने मैंने जब तुम्हारी मम्मी आई थी शादी होकर के तब तक मेरा इतना कुछ खास काम था हम नहीं था मम्मी के आने के बाद तुम लोगों के आने के बाद मेरा काम बढ़ा फिर इनका ये मुझे आज तक वो इनके लफ्ज़ याद हैं बोले पापा अच्छा ऐसी बात है ना तो आप बहुत बढ़िया बात कही मैं आज सबको मैसेज दे रहा हूँ ये इन्होंने कहा आप मेरी एक घंटे की मीटिंग करा दोगे एक दो घंटे में ज्यादा तो पहचान नहीं पाएंगे जितनी भी बात कर सकेंगे कर लेंगे और उसके बाद आप जीवन भर के लिए मुझे उससे बांध दोगे और अगर बाद में नहीं सही निकली या हमारी ट्यूनिंग नहीं बनी तो हु विल बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट तो मैंने कहा भाई फंसा दिया आई विल हाँ यहाँ फंसा दिया फसा दिया भाई जिम्मेवारी कौन ले अब मैंने कहा भाई मैं जिम्मेवारी कैसे ले लूं भाई अपने बच्चों के गलत सलत हो जाए तो माँ बाप के ऊपर बात तो तो आए तो आई विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले फिर मैं बताता हूँ एक लड़की है और उसका नाम ये है और उसके ऐसे ऐसे तो मुझे वो वाली बात हुई जोर का झटका धीरे से लगे पता तो थी मेरी बिटिया की सहेली थी आना जाना था सब था काफी टाइम से ऐसा कोई तो बात नहीं थी ये साथ ही पढ़ते थे दोनों फिर मैंने कहा फिर मैंने देन अगर वो गलत निकली तो कौन लेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने काउंटर क्वेश्चन किया ये फटाक से बोले आई विल रेस्पॉन्सिबिल यू आर टेकिंग रेस्पॉसिबिलिटी ठीक है आई एम बस खत्म कर दिया मैम मेरा सवाल आपसे है कि जैसे लोगों के पेरेंट्स या ज्यादातर उनकी मम्मिया बोलती हैं कि शादी के बाद लड़का बदल जाता है संदीप सर में शादी से पहले और शादी के बाद क्या बदलाव आए हैं जैसे पहले थे मेरे लिए वैसे ही अभी भी है कोई चेंज नहीं है वो बहुत ज्यादा प्यार करता है हम लोगों को और कभी मेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता हूँ आज भी ओके थैंक यू मैम इनकी एक आज बात बताता हूँ अब अब चली रहा है सेशन पर्सनली हो गया जो फैमिली का इन्होंने एक बात कह रखी है और मैं ये मैसेज सबको देना चाह रहा हूं चाहे जो शादीशुदा है चाहे कुआरा है वो भी आगे के लिए सोच ले ये कहते हैं मेरे होते हुए मेरे मां बाप को अगर कोई तकलीफ आ गई तो मेरा रहना बेकार है यही सिद्धांत आप लोग अपना लो पेरेंट्स कैसे ही क्यों ना हो पेरेंट्स का दिल आपने जीतना है और एक बात मेरी और लिख के रख लेना बड़ा हूं तुम सबसे कि जिसने अपने पेरेंट्स का रिगार्ड किया तहा जिंदगी वो कभी जिंदगी में गिर नहीं सकता ये मैं बता रहा हूं अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये जो मैं बोलता हूं ये जो मेरी स्पीकिंग स्किल्स है वो कहां से आई है <laughs> इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो नेक्स्ट लेवल है मेरा अगर आपको थोड़ा ठीक ठाक लगता है ना सेंस ऑफ ह्यूमर तो उसको मल्टीप्लाइड बाय वन थाउजेंड कर दो वो मेरे फादर का सेंस ऑफ ह्यूमर है तो अगर आपको आपको अभी अभी अगर अभी आपको लाइव देखने का मन है तो अभी लाइव अगर आप कुछ एक आध जो सुनाना चाहे तो आपकी मर्जी मतलब क्या हुआ पति पत्नी की शादी हुई थी कुछ टाइम हो गया तो एक दिन पत्नी बोली बैठी हुई बात कर रही थी सुनो जी अगर आपकी एक करोड़ की लॉटरी निकल आए तो कैसा लगेगा आपको बोले अरे जानू क्या बात कर रही हो <laughs> एक करोड़ की लॉटरी मैं तुम्हें मॉल में शॉपिंग कराऊंगा मूवी दिखाऊंगा डिनर कराऊंगा पूरी मस्ती कराऊंगा क्या बात कर दी लेकिन यार एक बात बताओ अगर बाई द वे हमारे में कोई डिफरेंसेस हो गए किसी बात पे और मैं रूट के तुमसे क्या अपने पीहर चली जाऊं उसी दिन फिर कैसा लगेगा बोला डार्लिंग क्यों मजाक कर रही हो एक दिन में दो दो लॉटरी थोड़ी लगती है <laughs> कैसा लगा मजा आया अभी देखो आगे आगे और मजा आने वाला है हाँ बताइए अब कौन है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं चाहती है नमस्ते अंकल आंटी हेलो सर हेलो हेलो ऑल गुड आंटी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे हम कभी अपनी लाइफ में सैड होते हैं संदीप सर भी तो कभी सैड होते होंगे वो कभी सैड नहीं होते वैसे तो लेकिन अगर होते भी हैं तो मेरे पास आते हैं मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं मैं उसको कहती हूँ कि तू अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना सीख और अपने हिसाब से ही उसका आंसर ढूंढ तो तेरे को मिल जाएगा आंसर और सही में उसके बाद इसको आंसर मिल जाता और वो एकदम हैप्पी हो जाता था जो तो मेरे अंदर अभी फीलिंग चल रही है सर वो मैं अपनी जुबान से नहीं बता सकता कि आप ती, आप तीनों के लिए मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रही है सर सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि सर जैसे आपको पता होगा मिडिल क्लास फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों जैसे वो बच्चा कुछ करना चाहता है जैसे मैं हूँ मैं मैंने अपनी शॉप खोली है तो मेरी शॉप जो है मोमोज की है तो मैं एजुकेटेड हूँ मेरे को इंग्लिश भी बोलने आती बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब मैं मोमोजे से निकाल के देता हूँ मेरा अंदर मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे खुद का काम करना है तो कई बार होता है पेरेंट्स बोलते हैं तूने इतनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो इस लाइन में क्यों जा रहा है जिसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती तू उस काम को भी कर रहा है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे काफी बच्चे कुछ करना चाहते हैं उनके पेरेंट्स उनको करने नहीं देते रोक लेते हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसको उधर ही जाने देना चाहिए ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है हमने भी संदीप के साथ ऐसे ही किया था इनका शुरू से इंटरेस्ट था फ़ोटोग्राफी की तरफ जबकि फ़ोटोग्राफी दूर दूर तक हमारी फैमिली से कोई रिलेटेड थी नहीं लेकिन हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया इनको कि भाई इन पर विश्वास किया हमने हमेशा मुझे विश्वास ये था कि मैंने ये जो कह रहे हैं ना ये हवाबाजी नहीं करते कि एक हवा में उड़ा दिया हाँ मैं कर लूँगा मैं देख लूँगा मैं वो कर दूँगा आप इतने पैसे दे दो बस मैं कर दूंगा डबल करके ला दे दूँगा वो हवाबाजी कभी नहीं करते थे तो मुझे इन पर विश्वास बन चुका था फिर मैंने कहा देखो समय के हिसाब से लाइनें बदली जाती हैं जबकि लोगों ने उल्टा सीधा भी बोला काफी हाँ आ, हमारे फैमिली वाले काफी लोगों ने उल्टा सीधा काउंटिंग करते थे कि यार ये कोई करने का काम है ऑटो तो फोटो खींचना ये करना ये कोई ऑटो तो फोटो ये कोई हमारे लेवल के काम है क्या ये लेकिन हमने कभी इनको नेगेटिव नहीं होने दिया लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं होने दिया हमारी फैमिली में भी काफी सीए हैं काफी लोगों ने बड़ी पढ़ाइया करी हैं तो हम भी अगर चाहते हैं संदीप के पीछे पढ़ते भाई तुम भी सीए बनो ये मत करो इसमें क्या पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा तो हमने कभी नहीं टोका और मैं ऐसे पेरेंट्स से कहता हूँ कभी बच्चों को रोकना भी नहीं चाहिए टोकना भी नहीं चाहिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई चाइल्डहुड मेमोरी सर की हो कुछ ऐसा बताना चाहें तो बचपन में बहुत शरारती थे सतीप जी लेकिन कभी मैंने इनको पीटा नहीं मारा नहीं हमेशा प्यार से इनको समझाया और फिर ये समझ भी जाते थे इनकी जो शरारत थी ना वो अपनी छोटी बहन पे चलती थी इनकी छोटी सिस्टर डेढ़ साल इनसे छोटी है तो जब भी इनको किसी बात की कोई खुंदक आ रही होती थी कोई चिड़चिड़ी पर आ रहा हो रहा होता था तो उस पर जाकर के उसके बाल खींचना करना और अल्टीमेटली मेरा गुस्सा फिर इनको भुगतना पड़ता था क्योंकि तो वो चीखती थी वो मेरे से हेल्प मांगती थी तो नेचुरली मैं तो डॉक्टर की तरफ देखूंगा ना उसकी ये हर तो, की है, सब की। <laughs> तो मैं घर की कहानी बता रहा हूँ <laughs> <laughs> तो बचपन में ऐसी शरारत तो होती रहती थी हम भी डांट देते थे बच्चे खेलने लगते थे चलता रहता है बचपन ऐसा कर जाता है लेकिन शुरू से हमने विश्वास रखा ये मैं आज मन की बात आपको बताता हूँ कि अपने बच्चों में विश्वास रखना चाहिए पेरेंट्स को हर समय ये नहीं कि उन पर शक करते रहो ये क्यों कर रहा है कहाँ जा रहा है किस लिए कर रहा है ये ना कर दे डुबवा ना दे चेकिंग रखनी चाहिए पेरेंट्स का फर्ज है बच्चों पर चेकिंग रखनी चाहिए पूछने का भी फर्ज है पूछे भी कि बेटे तुम क्या कर रहे हो कहाँ जा रहे हो किस लिए कर रहे हो क्या तुम्हारा एम है सब जानकारी माँ बाप का फर्ज है ये ड्यूटी है उनकी जानकारी पूरी रखें लेकिन अननेसेसरी इंटरफेरेंस करना वो कर रहा है करते करते उसमें अगर वो बीच में कहीं अनसक्सेस हो भी गया तो उसके ऊपर हावी हो जाना देख ले मैंने तेरे को मना किया था न, ये मत कर तो बच्चे का कैरियर खराब हो जाता है फिर वो किसी काम में घुस रहा देखो सफलता और सफलता तो लाइफ में आती है अननेसेसरी करना बच्चे के, के से खेलना है मेरे हिसाब से कभी नहीं करना चाहिए सर इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं आप लोगों ने भी इतना अच्छा अनुभव किया है तुम हम सब सक्सेस को पाएं एक ऐसी एडवाइस हमें चाहिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी एक गुरु मंत्र आपको दे रहा हूं मैं मेहनत तो जरूरी है ही हर जगह हर फील्ड में और ईमानदारी से मेहनत इस सब के बावजूद अपने माँ बाप की पूरी इज्जत करते हो और उनका हर तरह से ख्याल रखते हो उनका हर वक्त आशीर्वाद लेने के लिए आगे रहते हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ एक दिन नहीं दो दिन नहीं दस दिन नहीं महीने नहीं दो महीने नहीं एक दिन सफलता आपके पैर चूमेगी मैं दावे से कह सकता हूँ ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र है हो, होता क्या है लोग जब सफल होने लगते हैं ना थोड़ा काम चलने लगता है तो माँ बाप को समझते नहीं कुछ भी उन्होंने आपको जन्म दिया है लाके खड़ा किया है जिस स्टेज पे ला के उन्होंने खड़ा किया है उनकी कृपा से हुआ है ना सारा जब उन्हीं की आप केयर नहीं कर रहे उन्हीं की पूजा नहीं कर रहे उन्हीं को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो लाइफ में आपको रिस्पेक्ट कहाँ से मिलेगी इसी बात को अगर मैं दूसरी तरह से कहूं कि जो इंसान अपने मां बाप की इज्जत नहीं करता क्या वो इज्जत डिजर्व करता है इस दुनिया में नो no, सर सोचने वाली बात है उसकी कौन इज्जत करेगा तो जो भी उसकी सक्सेस है जो भी उसने अचीव किया सब खोखला है तो हमेशा हमको सबको साथ में लेकर के चलना है चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो कई बार क्या होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है एक जनरेशन गैप होता है जिसकी वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है थोड़ा बहुत छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है बात हो जाती है लेकिन अपनों में ही तो होता है लड़ाई झगड़ा हो भी गया तो क्या हो गया बैक ऑफ द माइंड आपको यह पता होना चाहिए कि ये मेरे माँ बाप है मेरे लिए कभी भी गलत नहीं सोचेंगे हाँ मेरे को उल्टा बोलेंगे कभी लड़ भी लेंगे नाराज भी हो जाएंगे सब कुछ होगा लेकिन दिल से मेरे लिए हमेशा अच्छा ही चाहेंगे अगर ये आपको अंदर तक पता है तो ये आपकी फाउंडेशन हो गई आपकी जड़ हो गई और अगर आपकी जड़ें पक्की है तो आप कितना भी ऊपर जा सकते हो कोई डर नहीं है जैसे आज मुझे कोई डर नहीं है मैं कुछ भी करूं मेरे फादर मदर मेरे पीछे बैठे हैं मुझे कोई डर नहीं है मम्मी नमस्ते नमस्ते आंटी जी तब तो मैं ऑफिस में थी मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मतलब मैसेज में क्लिक क्लिक कर रही हूँ ओपन हो गया मैं एकदम मतलब क्या हो गया नींद नहीं आई सर तीन बजे से जगी हुई हूँ फिर मैंने फिर देखा ना मेरे आंखों में आंसू आ गए लाइक पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं सर तो एक सवाल है आप दोनों से कि वुमेंस पेन की तो बात हर कोई करता है कि वुमेंस पेन है बट जो पेरेंट जो आप भी फादर हो, आपके फादर है तो फादर का जो पेन होता है, वो कोई क्यों जैसे आपने अभी आंसू बहा लिए ना जेंट्स जल्दी से नहीं बहाते आंसू ये भगवान ने कुछ ऐसी शिफ्ट दी हुई है आदमी आंसू बहुत ही जब सिर से पानी निकल जाता है या कहते हैं ना बहुत मजबूरी है कुछ ऐसा होता है तब उसके आंसू निकलते हैं आदमी के माँ और बाप के प्यार में कोई फर्क नहीं होता है लेकिन बाहर जो एक्सप्रेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है सो so, मैं सोई नहीं तीन बजे से सो so, नींद से क्या शिकवा करना जो आई नहीं रात भर कसूर तो उस चेहरे का है जिसने सोने ही नहीं दिया अरे वाह वेरी गुड बहुत अच्छा हाँ एक और एक और जिंदगी में गम भी हैं मुस्कुराती आंखें नम भी हैं खुदा करे आप तीनों की मुस्कुराहट कभी ना रुके क्योंकि आपके मुस्कुराहट के दीवाने हम भी हैं थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस मीटिंग ऑल ऑफ यू थैंक यू